हमें ये तीनों एस्पेक्ट समझने हैं, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, व्हाट, क्या. इज द फर्स्ट थिंग इज व्हाई पार्ट ऑफ एन एसे, कि हमें समझना होगा द रैशनल एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. उसके बाद विल सी कि what is the stuff that we have to include in an essay or exclude in an essay, and then how, that how do we actually write an essay. theek hai, to first of all we'll try to take care of this thing, why essay in the UPSC examination. was it always there? to nahi tha to introduce kab kiya, kyun kiya. theek hai, और इसका मकसद क्या है, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस भी क्यों किया, यू नो. ठीक है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट अप टू, लुक एट दिस, अप टू 1993 एसे वाज नॉट पार्ट ऑफ यूपीएससी एग्जाम स्कीम. ऐसा था नहीं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1994 ऑन द 1994 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सतीश चंद्र कमेटी. दिस is something that was introduced, or essay was introduced in the UPSC examination. ab kyun introduce kiya gaya, theek hai, wo hame samajhna hoga. for example, we need to ask these questions. for example, the questions like this, why was it introduced in the examination scheme, wo hame samajhna hoga. aur agar hum wo samajh jayenge to shayad hum behtar aise likh payenge. ठीक है, और फॉर दैट मैटर व्हाट यूपीएससी इंटेंड्स टू चेक इन एसे पेपर, यूपीएससी चेक क्या करना चाहती है एज फार एज दिस एसे पेपर इज कंसर्न्ड. ठीक है, तो ये पार्ट हमें अच्छे से खूब समझना होगा, विच आई कॉल्ड एज द वाई पार्ट ऑफ एन एसे. क्योंकि अगर हम ये समझ पाए अच्छे से, तभी हम अच्छा एसे लिख सकते हैं. एज सब लोग बोलते हैं कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, दिस वाई पार्ट ऑफ एनीथिंग, देन हाउ एंड व्हाट वुड नेवर बी क्लियर. ठीक है, तो हमें एक जो एसेंस होता है वो पहले समझना पड़ता है, द डीप कोर ऑफ एनीथिंग. ठीक है, अगर हमने वो समझ लिया, देन इट बिकम्स रिलेटिवली इजी फॉर अस टू डील विद द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. ओके, सो सी, कुछ टाइम पहले मैंने बात की कि वो यूपीएससी क्या इंस्ट्रक्शंस हमें देती है एज फार एज एसे राइटिंग इज कंसर्न. ओके, तो आई टोल्ड यू कि दे से दैट यू नो यू हैव टू बी वेरी कोहरेंट, वेरी लॉजिकल, वेरी कंसाइज, एंड यू हैव टू अरेंज दोज आइडियाज इन अ वेरी यू नो कोहरेंट वे, एंड देन क्रेडिट वुड बी गिवन फॉर द एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो डिड आई एवर मेंशन कि व्हाट इज द सिलेबस, दिस इज नॉट मेंशन्ड ओवर देयर. सेट ऑफ टॉपिक्स के आप ये थीम्स प्रिपेयर कर लो, एजुकेशन, वुमन, वल्नरेबल ग्रुप्स, environment, technology, etc. there's no set of topics which has been given over there. source bataya hai kya, UPSC ne source bataya hai kya, ki aap is kitab se pad lijiye, or for that matter read from this newspaper ya this monthly magazine, to aapka beeda paar ho jayega. has UPSC said? no, right? ya particular topic ke bare mein kuch bataya hai? theek hai, nahi bataya na. तो कुछ भी नहीं बताया है. तो देन द क्वेश्चन इज के व्हाट डू दे इंटेंड टू चेक हियर, वो चेक क्या करना चाहते हैं. ठीक है, सो देयर इज अ सेट ऑफ थिंग्स व्हिच एक्चुअली यूपीएससी इंटेंड्स टू चेक एज फार एज राइटिंग एसे इज कंसर्न. ओके, तो हम उनको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हमें वो चीज समझ में नहीं आएगा कि यूपीएससी चेक क्या करना चाहता है इस पेपर के थ्रू, तब तक शायद हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे ऐसे पेपर के साथ. या तब हम बात, उसके बाद फिर हम बात कर पाएंगे कैसे लिखना कैसे है. ठीक है, उसमें कौन सी चीज आपको इंक्लूड करनी है, कौन सी एक्सक्लूड करनी है, वो बात की बात है. लेकिन चाहते क्या है वो आपसे ऐसे में, तो या कौन सी चीज चेक करते हैं, हमें वो चीज पहले समझनी होगी.